नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल हिमानी आयुर्वेदा में। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया। आज जिस विषय के बारे में मैं बात करूँगी वो है एक औषध वनस्पति जिसको हम सब जानते हैं, जामुन। हम ये जानते हैं कि जामुन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है, बट हम ये नहीं जानते हैं कि किसको यह बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, किसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आज इसी विषय के बारे में कि किस किस को यह कितना अच्छा चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है और किसको यह सेवन नहीं करना चाहिए, तो उसी विषय में मैं इसके बारे में चर्चा करूँगी। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए। और अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो जैसा कि जामुन, जिसको हम ब्लैकबेरी भी कहते हैं, इसका लैटिन नेम साइजियम क्यूमिनी है। इसको जम्बू के नाम से भी जाना जाता है। आप जैसे देखते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, करीबन 100 फीट के अराउंड, और इसकी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो हमेशा हरी ही रहती हैं, है ना। तो हरी रहती हैं और इसमें जो है फल लगता है जो जून जुलाई के महीने में लगता है, जिसको हम जामुन कहते हैं। जामुन के अंदर गुठली भी होती है जो 1 से 2 सेंटीमीटर के अराउंड होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो जो जामुन का पेड़ है इसमें जितने भी जो इसके पार्ट्स हैं, जैसे इसका फल हो गया या फल के अंदर की गुठली हो गई या इसके पत्ते हो गए या फिर इसकी जो छाल है, ये सभी इंपॉर्टेंस रखती है। तो हम वन बाय वन ये देखेंगे सभी भी पार्ट्स का कि ये क्या क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं। जो ये सभी पार्ट्स बताए हैं तो ये क्या क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसका हम आगे पूरा वर्णन करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये रस में कैसा होता है। जो रस होता है इसका वह मधुर होता है, अम्ल होता है, अम्ल मीन्स खट्टा होता है थोड़ा सा, और कषाय, कषाय मीन्स कसेला। आपने जब इसको टेस्ट किया होगा तो कसेला ही मुंह में घूम जैसा जाता है, कसेला टाइप का होता है। और जो पका फल होता है वो मीठा होता है, तो मधुर कषाय, और जो थोड़ा सा कच्चा होता है वो अम्ल कषाय। तो कषाय रहता ही है इसमें। और जो इसका जो गुण है वो लघु रोक्ष है, मतलब हल्का होता है और रोक्ष शरीर में रोक्षता उत्पन्न करता है। और जो वीर्य होता है इसका, जो इसकी पोटेंसी होती है, वो ठंडी होती है, ये ठंडी तासीर की होती है। तो अपने इसी रस गुण और वीर्य के कारण ये क्या करती है, जो हमारे शरीर में वात पित्त और कफ, तीन दोष कहे गए हैं, तो उसमें यह कफ और पित्त को जो बड़े हुए होते हैं उनका शमन करती है। और यह वात दोष को बढ़ाती है, मीन्स जो शरीर में जो वात है उसको बढ़ाती है। तो जिनको जो वात प्रकृति के होते हैं, जो वादी शरीर के होते हैं, उनको इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में वात को बढ़ा देता है जिससे उनको दिक्कत हो सकती है। तो जितनी भी आयुर्वेद में जो वात प्रकोपित, मतलब कि वात को बढ़ाने वाली औषधियां हैं, तो उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है, उसमें इसका जो है दी गई है कि जामुन भी उसमें होता है। वर्णन किया गया है कि जामुन जो होता है वो वात को बढ़ाता है और जो शरीर में कफ और पित्त के जो दोष बढ़े हुए होते हैं उनका यह शमन करता है। तो और फिर अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये जो फल है, जो फल है ये क्या काम करता है। जो फल होता है यह दीपन पाचन, दीपन मीन्स जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाता है, पाचन करता है, डाइजेशन करता है। जो हमारा जो लीवर है उसको एक्टिवेट करता है, वात को भी बढ़ाता है। तो ये फल भी बहुत अच्छा काम करता है। जो फल है, फल से जो सिरका बनता है ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये भी है जब हमें भूख नहीं लगती है या हमारा खाना नहीं पचता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बार बार शौचालय जाने का होता है, कि हमें बार बार कि शौच जाने का मन करता है, बट हमें थोड़ा सा ही मल त्याग होता है, हमारे पेट में दर्द होता है, तो उस समय ये बहुत अच्छा काम करता है। जो जामुन का सिरका हम बनाते हैं फल से, तो ये फल भी और इसका जो सिरका होता है ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये थोड़ा सा वात को बढ़ाता भी है। तो इस समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम ये फल या फल का जो इस ये सिरका सेवन कर रहे हैं, तो ये हमें तब लेना है जब हमारा भूख नहीं लग रही है, हमारे को खाना नहीं पच रहा है, या फिर हमें बार बार अतिसार जिसको बोलते हैं कि टॉयलेट जाने का मन कर रहा है, और उस समय यह बहुत अच्छा काम दिखाता है, तो उस समय हम इसका सेवन कर सकते हैं। उसी तरह से इसकी जो गुठली है, फल के अंदर जो है गुठली होती है, तो फल हमें कौन सा फल लेना चाहिए, कच्चे भी फल आते हैं, पके भी फल आते हैं, तो हमें वो वाला फल लेना चाहिए सेवन करने के लिए जो अच्छी तरह से पका हो, जो पल्पी हो। जो कच्चे हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, वो वात को बढ़ा सकता है, क्योंकि ये वात वर्धक होता है।
तो जो फल होता है, जो पके हुए फल होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। तो जो गुठली होती है, अब हम गुठली से, गुठली का क्या इम्पोर्टेंस है और हम इसको कैसे सेवन कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। तो जो फल होता है पहले हम उसको अच्छी तरह से धो लेते हैं, धोने के बाद उसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसकी जो अंदर की गुठली होती है उसको निकाल लेंगे। तो जब हम निकालेंगे, जब उसकी गुठली निकालेंगे तो उसके बाहर एक ब्राउन कलर का कवर होता है। तो जो ब्राउन कलर का कवर है उसको हम निकाल लेते हैं। फिर जब हम ब्राउन कलर का कवर निकाल लेंगे तो उसके अंदर एक ग्रीन कलर की गुठली होगी। तो ग्रीन कलर की गुठली ही प्रयोग में लाई जाती है। तो उसको लें, फिर उसको और सुखा लें, फिर उसका पाउडर बना के रख लें। तो यह जो गुठली है ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस दिखाती है। हम जानते हैं कि जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, जो शुगर के रोगी होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जैसे एंथोसाइनिन, फ्लेवेनॉइड्स और गैलिक एसिड, और एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छा है ये। तो जो है शुगर के जो रोगी होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम दिखाता है। तो जो जो शुगर के रोगी होते हैं, चाहे वो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हो, चाहे यूरिन में बढ़ा हो, तो ये उसका लेवल भी कम करता है। और दूसरा क्या करता है, जो जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने की दिक्कत होती है कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिन पास होता है, तो ये जो मूत्र जो यूरिन पास हो रहा है उसके प्रमाण को भी, जो उसका अमाउंट है उसको भी रोकता है। तो ये एक तो शुगर लेवल कम कर रहा है और उसका जो अमाउंट है उसको भी कम कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। दूसरा, ये जो गुठली होती है इसका जो पाउडर होता है इसमें विटामिन ए सी भी पाया जाता है। ये लीवर को भी जो है एक्टिवेट करता है। और क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने की भी क्षमता होती है कि जो हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन है, खून की कमी है, तो उसको भी ये बढ़ाता है। दूसरा ये है कि ये जो है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। एस्ट्रिंजेंट मतलब रोकने की क्षमता, स्तंभक प्रॉपर्टी जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं। तो कहीं से भी, चाहे वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, जैसे कि नाक से खून बह रहा हो, मुंह से खून बह रहा हो आपके, या फिर यूरिन से खून बह रहा हो, या फिर जो स्त्रियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में रजस्राव होता है उसको रोकने की क्षमता, और जो लूज़ मोशन होते हैं, क्योंकि इसमें रोकने की क्षमता होती है, तो जो लूज़ मोशन है, चाहे उसमें रक्त आ रहा हो, ब्लड आ रहा हो, या फिर बार बार, जिसको कि कितनी बार ऐसा होता है कि लूज़ मोशन हो रहे हैं फिर ठीक हो जाता है, फिर बार बार लूज़ मोशन होते रहते हैं, मतलब उनको लूज़ मोशन की दिक्कत होती रहती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम दिखाती है। तो जो गुठली है वो मैजिकल अपना इफेक्ट दिखाती है बॉडी में। फिर ये है कि जो इसकी जो छाल होती है, जो छाल होती है वो भी बहुत अच्छा जो है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखती है। हम आपको आगे इसमें बताएंगे कि कैसे इसका प्रमाण है और कैसे इसको बनाया जाता है, आगे किन किन रोगों में ये कैसे अपना इम्पोर्टेंस दिखाएगी। तो जो छाल है वो भी आपका एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखती है, चाहे वो लूज़ मोशन हो, चाहे आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, कोई भी जहाँ पे श्राव हो रहा है, जहाँ पे कोई चीज़ बह रही है, तो उसको रोकने की क्षमता रखती है। इसके जो पत्ते होते हैं वो भी जो है छर्दी निग्रहण आयुर्वेद में कहा गया है। छर्दी निग्रहण मीन्स, छर्दी मीन्स वॉमिटिंग या नोजिया। तो जो जिसको बार बार उल्टी होने की टेंडेंसी होती है कि बार बार उल्टी हो रही है, या किसी भी रोग के कारण जो उल्टी हो रही है, या फिर बॉडी में एसिड बढ़ गया है उसके कारण उल्टी हो रही है, तो क्योंकि शीत वीर्य है तो जो एसिड बढ़ रहा है उसके कारण जो उल्टी हो रही है, तो उसको भी ये रोकने की क्षमता रखता है। तो इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो आपका फल ले लो, या फल से बना हुआ सिरका ले लो, चाहे गुठली ले लो, चाहे इसका जो जो छाल है वो ले लीजिए, या फिर जो इसके पत्ते हैं, सारे मैजिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि अगर हम इसका जो फल है वो ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वातवर्धक है तो वो कॉन्स्टिपेशन कर देगा। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, कब्ज रहता है, तो वो इसके फल का ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। और जो इसका फल है वह अगर पके हुए फल लें, कच्चे फल का सेवन ना करें, अगर पके हुए फल का सेवन करेंगे तो क्या होगा, जो पथरी है, जो हमारी मूत्राशय की पथरी है, जो हमारे यूरिनरी सिस्टम में जो पथरी आ गई है, तो उसको भी ये गला के निकाल देता है। तो हमें जो फल है वो कितने प्रमाण में लेना चाहिए, अब ये नहीं कि जामुन आ रखा है तो हम उसको लें, आप 8 से 10 दाने इसमें ले सकते हैं। तो आप 8 से 10 जो पके हुए दाने हैं आप उसका सेवन कर सकते हैं। फिर जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो इसका जो छाल है,
वो जो है ब्लीडिंग को रोकने की टेंडेंसी रखता है। तो हम इसका छाल का कैसे प्रयोग करेंगे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, चाहे नाक से खून निकल रहा है, चाहे मुंह से खून निकल रहा है, चाहे यूरिन से खून निकल रहा है, ब्लड जा रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो एक चम्मच जो इसकी छाल का पाउडर बना के रात को 1 गिलास पानी में हम इसको भिगा के रख देंगे। फिर सुबह के टाइम में हम क्या करेंगे, ये जो जो हमने भिगा के रखा था इसको हम मस लेंगे, ठीक है, मसल के फिर छान के फिर जो पानी बनेगा, जो अमाउंट आएगा उसको हम पी लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 चम्मच शहद का भी डालेंगे, जो अमाउंट बनेगा उसमें 1 चम्मच शहद का भी डालेंगे। तो जितनी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर हम इसको दिन में 3-4 बार सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। इसको हम आयुर्वेद में हिम कल्पना बोलते हैं, कि ये जो हिम तरीके से बनाई जाती है, जो बॉडी में शीतलता लाती है, क्योंकि एक तो ये शीरे वीरे और हमने इसको जो प्रोसेस है वो बॉडी में और भी शीतलता लाएगा। तो जो जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि ये पित्त की वजह से होता है, शरीर में गर्मी की वजह से होता है, तो इसको ये कम करेगा। उसी तरह से जो इसकी छाल है, क्योंकि हमने बताया कि रोकने की क्षमता है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है, तो कहीं भी घाव है तो हम इसकी छाल का जो है पाउडर आप उस जगह पे लगा के छोड़ दीजिए, तो अच्छा अच्छी तरह से जो घाव है वो भर जाएगा। उसी तरह से जो इसके पत्ते हैं, हमें जैसे अभी मैंने बताया कि जो लीव्स हैं वो छर्दी निग्रहण मीन्स वॉमिटिंग को रिड्यूस करती हैं, वॉमिटिंग को बंद करती हैं, तो उसी तरह जो इसके पत्ते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें बार बार उल्टी हो रही है, किसी को उल्टी हो रही है किसी भी कारण से, तो 8 से 10 पत्ते हम लेंगे, 2 गिलास पानी में उससे इसका काढ़ा बनाएंगे। फिर जब तक 1/4 नहीं हो जाता है तब तक हम उबालेंगे, फिर उसके बाद छान के ठंडा होने पर हम इसको सुबह शाम लेंगे। तो जो अगर कुछ दिनों तक लेते हैं तो जो वॉमिटिंग की टेंडेंसी है किसी को, तो वो अपने आप कम हो जाएगी। उसी तरह से जो इसके पत्ते हैं उसको अगर हम पेस्ट बना के, 4-5 पत्तों का पेस्ट बना के, किसी को अगर जो है शरीर जल गया है, उसके बाद उसके शरीर में वाइट पैचेस हो गए हैं, सफ़ेद दाग हो गए हैं, तो इसके जो पत्ते हैं उसका हम वहाँ पे उसका पेस्ट लगा के कुछ देर रख के फिर धो के कुछ दिनों तक यूज़ करेंगे, तो जो सफ़ेद दाग हो गए हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। फिर उसी तरह से हम ये देखेंगे कि जो है ये जो सिरका है, सिरका आप बाज़ार में भी ले सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। और फिर उसके बाद जो इसकी छाल है वो स्तंभक प्रॉपर्टी है, अब लूज मोशन में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो जो लूज मोशन में जो इसकी छाल है उसका पाउडर 2 चम्मच लेके रात को जो है आप रात को या सुबह के टाइम में 2 चम्मच छाल का पाउडर लेके 2 गिलास पानी में आप इसको उबालिए, तब तक उबालिए कि जब तक ये 1/4 ना हो जाए। फिर जब 1/4 हो जाएगा तो 3 से 4 या 4 से 5 चम्मच आप 3 से 4 टाइम ले सकते हैं, और कुछ दिनों में सेवन करने से जो आपकी बार बार लूज मोशन होने की टेंडेंसी है, कि बार बार पेट ख़राब हो जाता है, जो IBS के पेशेंट होते हैं कि कुछ दिनों में फिर जो है पेट चल जाता है और जो है रुकता नहीं है, बार बार पेट में मरोड़ होती है, दर्द होता है, पर कुछ टाइम में जो है थोड़ा सा मल निकलता है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखाता है। और जो है ये एक बात ध्यान रखने की है, ये वातवर्धक है, शीतवीर्य है, तो जो वादी लोग होते हैं जिनके शरीर में वात प्रकोपित होता है, वात के कारण उनके शरीर में वेदना होती है, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसलिए उस समय इसका सेवन ना करें। दूसरा ये है कि जब भी आप, इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप जामुन का सेवन करें, ऐसा नहीं है कि सेवन ना करें, 1-2 मात्रा में सेवन कर सकते हैं, बट अगर जो है अगर आप सेवन करें तो कोई भी, चाहे नॉर्मल है, चाहे किसी का वात प्रकोपित है या कफ को बैलेंस करना है, जैसा भी है, जब भी आप जामुन का सेवन करें तो उसमें नमक डाल के, चाहे सेंधा नमक है या काला नमक है, तो उसको उसमें डाल के ऊपर से तब सेवन करें, जिससे कि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए और शरीर में कोई भी, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे को वात प्रकोपित है, कफ प्रकोपित है, पित्त क्या है, क्या दिक्कत है, तो जो भी है नॉर्मली आप जब भी जामुन का सेवन करें तो उसमें आप ऊपर से नमक डाल के जरूर उसका सेवन करें। तो ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे इसका और किस प्रमाण में और किसके साथ सेवन करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, और जिसको सेवन करना चाहिए तो वो कितनी मात्रा में सेवन करें, तो यही बताने की कोशिश की गई है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा मार्गदर्शन बढ़ाएं। धन्यवाद।